अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद। रेमेडीज विद रुखसाना में आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी बनने जा रही है। वो वाली सिस्टर जिनकी टच के साथ या कह सकते हो आप डबल टोन स्किन हो जाती है और उनकी स्किन पे जो है ना फाइन लाइंस भी हो जाती हैं और स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। बस आज की रेमेडी बहुत ही अमेजिंग है उन सिस्टर्स के लिए। वो इस रेमेडी का यूज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला तो उनकी स्किन का कलर जो हैगा होगा इंशाल्लाह वो ग्लो हो जाएगा और जो डबल टोन फेस हो रहा होगा इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका कलर जो है ना वो पिंक पिंक कलर होगा इंशाल्लाह मास्क का, और इसी तरीके से आपकी स्किन के कलर को भी ये पिंक बना देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है आपने एक छोटा टमाटर लेना है। इसके बाद हमने 1 टीस्पून जो है वो लेमन लेना है जो आपकी स्किन को ब्लीच करेगा। डबल टोन फेस हो रहा होगा तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद आपने एक एलोवेरा लेना है, छोटा सा आपने एक पौधा ले लेना है। इसके बाद मैंने घर के जो है वो पीसे हुए चावलों का पाउडर लिया है, ठीक है, आपने घर का ही लेना है। अब सबसे पहले जो है वो हमने एलोवेरा जो है वो कटिंग कर लेना है, ठीक है। छोटा सा पौधा आपके सामने ही नज़र आ रहा है, आपने इतना सा ही ले लेना है। और जबकि ये मैंने अपने घर में जो है वो उगाया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसका प्लांट घर में ही उगाएँ तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और बार बार आपको बाज़ार से लेके आने की ज़रूरत नहीं होती, तो बहुत ही अच्छा जो है वो घर में रेडी हो जाता है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले जो है हमने इसकी ऊपर की जो लेयर है वो उतार देनी है, उसके बाद जो अंदर का इसका गुदा है वो हमने इसका निकाल लेना है। तो इसी तरीके से आपने ले लेना है। तो ये ना सिर्फ आपकी स्किन को फ्रेश बनाता है बल्कि जितनी भी आपकी स्किन पे यानी कि सन टैन हो जाती है ना आपकी स्किन, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हमने एलोवेरा जो है वो हमने गूदा निकाल दिया है। अब हमने इस गूदे को जो है ब्लेंडर जार में ऐड कर देना है, ठीक है। इसी के से आपने ब्लेंडर जार में ऐड कर देना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है एक छोटा टमाटर आपने ले लेना है, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून आपने लेमन जूस ऐड कर देना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसमें चंद ड्रॉप्स ही यूज़ करें, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो ऐड कर दिया है लेमन जूस। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून आपने राइस फ्लोर ले लेना है, घर का पिसा हुआ, ठीक है। ये थोड़ा सा मोटा होगा और आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन को ये स्क्रब भी करेगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब हमने इसे ब्लेंड कर लेना है अच्छे से जी। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर है इसका, पिंक पिंक सा। और ये हमारा मास्क जो है ये रेडी हो चुका है। अब हमने इसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके के साथ जो है आपने इसे निकाल लेना है। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने सारा निकाल लिया है और आप इसकी क्वांटिटी भी देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया है सेम आपने इसी तरीके से ही चीज़ें इसमें ऐड करनी है और ये आपकी फेस, नेक एंड हैंड्स पे भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये अब आपने किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले आपने अपना फेस वॉश कर लें, नेक अपनी साफ़ कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इसे अप्लाई कर लेना है। और इसके बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त रिजल्ट हैं और ये आपकी स्किन को स्क्रब करेगा, एक्सफोलिएट करेगा आपकी स्किन को, और जितनी भी आपकी स्किन डल हो जाती है उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है जी। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने जो है वो अप्लाई कर लिया है। अब आपने इसका मसाज करना है। मसाज आपने कितनी देर करना है इसका, तकरीबन आपने 1 मिनट से आपने कम, थोड़ा सा कम ही आपने इसका मसाज करना है, यानी कि आप लगा लें आप 40 से 50 सेकेंड जो है वो आपने इसका मसाज करना है, ठीक है। तो आपने इसका अच्छे से मसाज कर लेना है और आपने तकरीबन इसे 15 मिनट के लिए फेस पे रखना है जी। फ्रेंड्स, 15 मिनट हमने इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद जो है आपने इसे वॉश कर लेना है। तो आप देख सकते हो 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको वॉश करके इसकी रिजल्ट दिखाऊंगी जी। फ्रेंड्स, अब मैंने वॉश करके जो है आपको दिखाया है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त स्किन, स्मूथ एंड सिल्की स्किन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और आपने वीक में जो है इसका यूज़ जो है ना वो 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हो, इसके कोई नुकसान नहीं है। और आप इसे स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ये आपकी स्किन को ग्लो देगा इंशाल्लाह ताला और इससे बहुत ही ज़बरदस्त से रिजल्ट मिलेंगे जी। फ्रेंड्स, मैं एक और बात भी करना चाहूँगी, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल 1/2 टीस्पून ऐड करके भी यूज़ कर सकते हो, तो उससे आपकी जो ड्राई स्किन है वो भी इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अगर आज की रेमेडी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। इंशाल्लाह ताला आपकी बहन ऐसी आपके लिए बहुत सी अमेजिंग वीडियोज़ लेके आती रहेगी जो कि होंगी बहुत ही ज़बरदस्त। और मैं मत भूलेगा, आप अपनी बहन को
को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।